वेलकम टू सी आर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे हाउ वी फाइंड आउट द ईएमएफ ऑफ द गिवन सेल्स एंड सेल इक्वेशंस। मतलब अगर हमें किसी सेल की जो दोनों हाफ सेल होते हैं, अगर उन हाफ सेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई हो या उन हाफ सेल्स की इक्वेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई हो, तो हम कैसे उस सेल का ईएमएफ को फाइंड आउट करेंगे। समझ में आया बेटा? देखो, लास्ट वीडियोज में हमने आप लोग कहाँ तक पढ़ाया था, है ना, आपको ईएमएफ क्या होता है ना, कैसे फाइंड आउट करते हैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड, समझ में आ गया। और हमने उसी बेसिस पर बेटा एक मतलब सबसे पहले हमने आपको एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन सेल पढ़ाया। अगर मैं तेरे को सीरियल एडर में रिवाइज कर दूँ तो मैंने सबसे पहले आपको एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन सेल पढ़वाया, ठीक है, जिसमें प्लेटिनम लेते हैं और हाइड्रोजन को, है ना, HCl लेते हैं वगैरह, हाइड्रोजन गैस के बेसिस पे करते हैं, वो ऑक्सीडाइज रिड्यूस दोनों हो जाता है, ठीक है नहीं, और उसका वो क्या होता है, जीरो भी होता है, जो हाइड्रोजन का आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, जीरो। उसके बेसिस पर हमने रेस्पेक्ट में दूसरी मेटल्स को एज दूसरे हाफ शेल में लिया। इस बेसिस पर हमने दूसरी डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स का, है ना, हमने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता करा और वो किस टर्म में रिडक्शन के टर्म में, है ना। तो इस तरीके से मान लो अब देखो शेल है, शेल में एक हाफ शेल का ऑक्सीडेशन होता है और एक हाफ शेल का होता है रिडक्शन, एक का ऑक्सीडेशन, क्लियर है पॉइंट। तो अगर जहां पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, हमने उसकी इक्वेशन को याद करो क्या किया था, हमारे पास मान लो दो हाफ शेल है, ये आपका सॉलिड ब्रिज हो गया, ये इसमें मेटल की रॉड हो गई, ये दूसरे मेटल की रॉड हो गई। अब मान लो इसमें क्या चल रहा था, आपको याद हो जिंक ने टू इलेक्ट्रॉन को लॉस करके क्या आ रहा है, जिंक टू प्लस। लेकिन हमने इसको लिखा कैसे, हमने लिखा इसी टर्म में जिंक टू प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन, ये इधर आ गए। और इसमें मान लीजिए जो भी हो रहा था, है ना, वहाँ पर मान लीजिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आइन, है ना, वन इलेक्ट्रॉन को गेन करके कन्वर्ट किस में हो रहे थे, एच में, तो टू है तो टू इलेक्ट्रॉन को ले, टू एच मतलब क्या बन गया, एच टू। तो यहाँ पे बेसिकली इलेक्ट्रॉन का गेन ही हो रहा था, ये रिडक्शन था उसी टर्म में लिखा, है ना। और हमारे पास क्या था कि ये हो तो ऑक्सीडेशन था लेकिन लिखा हमने रिडक्शन टर्म में। तो आप याद करो वहां पर हमारे पास जिंक का हमने लिखा भी क्या था, देखो ये जिंक टू प्लस से जिंक, है ना, प्लस वन से जीरो होना क्या कहलाता है, रिडक्शन। बल्कि देखो जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे बेटा, ठीक है, और ये कितना निकल के आया था, माइनस में 0.76 वोल्ट, याद आया आपको। कॉपर में उल्टा केस था, कॉपर में जो काम हो रहा था, है ना, कॉपर इलेक्ट्रॉन को गेन ही करता है, ठीक है ना, याद करो ये कॉपर, इसको हटा के हमने कॉपर भी लिया था, मतलब इसको हटा दें अगर तो हमने कॉपर लिया था, तो कॉपर के केस में क्या होता है, कॉपर टू प्लस दो इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर में कन्वर्ट हुए, तो यहाँ तो कॉपर का रिडक्शन ही हो रहा है ना, तो कॉपर हमारे पास जो टू प्लस है वो कॉपर में कन्वर्ट ही हो रहा है। लेकिन यहाँ क्या था, यहाँ तो जिंक जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है, तो हम कर कह रहे हैं उल्टा, रिप्रेजेंटेशन हमने उल्टा कर दिया इसका, है ना। तो और यहाँ पर सेम है, तो यहाँ पर ये निकल के क्या आता है, आप याद करो प्लस में ही 0.34 वोल्ट, याद आया कुछ। तो देखो मेटल का अगर रिडक्शन ही हो रहा है और हम उसको रिडक्शन ही शो कर रहे हैं सेल इक्वेशन में, समझे, तो उसका हमेशा क्या आ रहा था, पॉजिटिव आ रहा था, क्लियर। और जब हमारा मेटल का हो तो ऑक्सीडेशन रहा है, लेकिन हमने उसको रिप्रेजेंट कैसे कर दिया सेल इक्वेशन को, है ना, उसके उल्टे में, तो माइनस साइन लग गया। तो जो जो मेटल में बेटा ये काम होगा, आप याद करो हमने हाइड्रोजन से लेके एक सीरीज लिखवाई थी, तो उसमें ये आपका कॉपर, एच जी, ए जी, ए यू, प्लेटिनम, ये नीचे आते हैं, बाकी सारी मेटल सबसे ऊपर लिथियम, मतलब अभी इस टाइम उल्टी है ना आपके, ये सब है ना, कैल्शियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, जिंक, और ये सारी चीजें नीचे आती हैं। हाइड्रोजन यहाँ आ गया, इसका तो क्या हो गया, जीरो। ऊपर वाले का इसका याद करो माइनस का 3 समथिंग था, ये घटता घटता जा रहा था, यहाँ पे बढ़ता बढ़ता ये नीचे फिर पॉजिटिव में बढ़ता जा रहा था, याद आ गया। जैसे कॉपर का 0.34 है, आगे और जाओगे और बढ़ेगा, क्लियर पॉइंट। तो देखो इसमें मुझे इन सीरीज की जो समझाया था उसको न्यूमेरिकल में कैसे यूज करेंगे वो ध्यान से, इसीलिए ये रिवाइज करा रहा हूँ, नहीं तो ये फालतू में मैं क्यों रिवाइज करा था, क्योंकि इसी के कुछ बेसिस पर ये न्यूमेरिकल सॉल्व होगा बेटा। तो देखो हम क्या करेंगे, अब देखो कहने का मतलब जिन मेटल्स का, मतलब जिस हाफ शेल में हुआ तो ऑक्सीडेशन है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं रिडक्शन, वहीं पे वहीं वहीं माइनस आते हैं बेटा, ये एक मतलब पहचान करने का तरीका से करो, है ना। और जिनमें हो भी रिडक्शन रहा है और हम रिडक्शन की टर्म में लिखते हैं सेल इक्वेशन को, वहां पर हम जैसा आता है वैसा लिखा देते हैं। अरे भाई देखो जो काम हो रहा है जिस डायरेक्शन में हो रहा है ना, जैसा हो रहा है आप उसको लिखोगे तो वो पॉजिटिव रहा, अब हो तो इधर की ना है, आप शो उसको उल्टा कर रहे हो तो उसके आगे आपको कार्शियन पेंडुलम उल्टा हो गया तो माइनस लगाना पड़ जाएगा, नहीं तो वही सेम केस है यहाँ पर। तो अब देखो हमारे पास ये दो सेल इक्वेशन दी हुई हैं,
हमें नहीं पता इसमें। आप देखो इसे देख इक्वेशन देख के आप नहीं बता सकते। आप देखो इक्वेशन देख के आप कैसे बताओगे, आप मुझे बताओ कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है जी, किसका रिडक्शन हो रहा है, आप मुझे बताओ कैसे बताओ भाई। ए जी भी वन इलेक्ट्रॉन को गेन करके ए जी में कन्वर्ट हो रहा है, चलो वो तो आप बैलेंस कर रहे हो तो आप इसको टू कर दो तो ये टू इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, टू ए जी हो जाएंगे, कोई इश्यू नहीं है, है ना बच्चा। हमारे पास दोनों तरफ बराबर, तो चाहे वो एक हो या दो इससे फर्क नहीं, मेन पॉइंट तो इसका है। सिल्वर आयन में भी इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, मतलब सिल्वर आयन का रिडक्शन होकर सिल्वर कन्वर्ट हो रहा है, और जिंक आयन भी इलेक्ट्रॉन को गेन करके मतलब जिंक आयन का भी रिडक्शन होकर जिंक कन्वर्ट हो रहा है। तो चलो यहां तो हमने सेल बनाया, ये डायग्राम था और हमें क्लियर हो रहा था डायग्राम से किसका ऑक्सीजन, लेकिन क्वेश्चन तो बोर्ड एग्जामिनेशन में ऐसे आता है बेटा, क्वेश्चन तो बोर्ड एग्जाम में ऐसे आता है कि आपको सेल इक्वेशन दे दी दोनों, अब इसमें कैसे पता चलेगा दोनों सेल इक्वेशन, तो जो है एक हाफ सेल की इक्वेशन ये और एक हाफ सेल की इक्वेशन ये, और दोनों ही आपको क्या शो कर रही है, रिडक्शन शो कर रही है। तो हिंट करेगा बेटा आपको ये, इसी सेल इक्वेशन के टाइम पे आपको ये जरूर दिया हुआ होगा बेटा, याद रखना ठीक है, क्लियर। तो हमारे पास अब इस सेल इक्वेशन से आप पहचान सकते हो इसका मतलब क्या है, देखो सिल्वर आयन सिल्वर में जीरो हो रहा है, प्लस वन से जीरो की तरफ बढ़ रहा है, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन पॉजिटिव में दे रखा है। यहाँ पे क्या है, प्लस टू से जीरो हो रहा है मतलब रिडक्शन हो रहा है लेकिन माइनस में दे रखा है, तो माइनस का मतलब क्या हो गया, उल्टा काम हो गया, मतलब इसका हो तो भाई इसमें क्या दिखाया गया, रिडक्शन पोटेंशियल, लेकिन माइनस में यहाँ पॉइंट आ गया जिनमें हम उल्टा शो करते हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं, साइन माइनस के साथ आ जाते हैं। तो एक सिंपल सा तरीका है कि जिन जिन के माइनस में है ये सब किसका काम करेंगे बेटा, एनोड का, समझना है, और जिसका ये आपका क्या है, कैथोड, समझना है। और आप देखो आप ईएमएफ जो पता करते हो, पहली बात चीज समझ में आ गई, देखो यहां से मैंने इसीलिए ये सब रिवाइज कराया जिससे आप समझ सको। तो आपको सेल इक्वेशन का एक, ये तो कुछ दिया नहीं है सही है नहीं, तो आपको सेल इक्वेशन के साथ में दुआ हुआ जो रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यूज है ये आपको बताएंगी कि कौन कैथोड का काम कर रहा है और कौन एनोड, मतलब किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन, समझ में आया नहीं। तो भाई और आप जानते हो हमने लोन आपको सिखा रखा है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है ना वो किसका काम करता है, एनोड का काम करता है, ठीक है नहीं। तो भाई देखो ये शो तो माइनस में आया, मतलब क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है माइनस में, मतलब इसमें हो क्या रहा होगा, ऑक्सीडेशन, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो किसका काम करेगा, एनोड का, तो दूसरा वाला किसका, कैथोड का। इसको देने के लिए कुछ बुक्स पता है क्या काम करती हैं, कि जो भी आपको देखो इसको इसी चीज को, ये तो हुआ मैंने जो आपको समझाया उस बेसिस पे, इसको एक दूसरे तरीके से और देखो, है ना, थोड़ा सा रटना है, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा रटना चाहिए कि आप इसमें बताओ मुझे मैथमेटिकली 0.80 वैल्यू ज्यादा है या माइनस में 0.76 ज्यादा है, तो ऑब्वियस चीज है ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, मैथमेटिकली नंबर की जो वैल्यू होगी वो इसकी ज्यादा होगी। तो जो वैल्यू, जिस रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होती है वो हमेशा किसका काम करता है, कैथोड का काम करता है ना। अब जैसे मान लो हमें दो मेटल के दे रखे हैं, मैं मेटल अननोन ले लेता हूँ, M2+M, है ना, अननोन कोई दो मेटल ले लेता हूँ, है ना, M1+M, एक का दे रखा है 0.36 माइनस में वोल्ट और एक का दे रखा है 0.36 वोल्ट माइनस में। अब ये भी वैल्यू माइनस में है और ये भी वैल्यू माइनस में, बड़ी कौन है, तो देखो आप सब जानते हो सेंटर में क्या होता है, जीरो होता है, इधर की तरफ पॉजिटिव वन पॉजिटिव टू माइनस वन माइनस टू। अब आप इसके अकॉर्डिंग देखो इन दोनों में बड़ी वैल्यू कौन, ये बड़ी, और जो वैल्यू बड़ी वो किसका काम करेगी बेटा, कैथोड का, समझ में। तो जो बड़ा रिडक्शन पोटेंशियल होता है समझ में, वो हमेशा किसका काम करता है, कैथोड का। इसको अब ये आपको ढंग से देखना है भाई, देखो माइनस में ही 0.76 है और माइनस में ही 0.36 है, तो दोनों में, अब बच्चे तो इसको समझता है, अरे बेटा इसके आगे माइनस साइन है और इसके आगे भी माइनस है, तो माइनस में जो संख्या कम दिखती है उसकी वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है, छोटी क्लासेस में सिखा दिया जाता है नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, ये इसका, तो ये कैथोड और ये क्या करेगा, है ना, एनोड का काम करेगा। और यहाँ देखो ये वैल्यू तो सीधे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये वैल्यू ज्यादा, ये कैथोड ही है, समझ में आ गया बेटा। तो इस तरीके से देखो बेटा हमारे पास ये सब चीजें होती हैं। अब आपको क्लियर हो गया इस तरीके से, तो आपने, मैंने आपको यही चीज बेटा दो तरीके से बता दी, एक कॉन्सेप्चुअली बता दी, है ना, ये डायग्राम के बेसिस पे जो कॉन्सेप्ट था हमारा, ठीक है, स्टैंडर्ड आपका रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पर। तो अब आओ तो आपको ये पता चल गया, चलो अब पूछा थोड़ी उसने कि ऐसा क्यों, रीजन पूछे तो ये सब बता सकते हो आप, जो अभी बताया था अगर रीजन पूछ ले तो आपको पहली चीज क्लियर हो गई, विच कैथोड एंड विच एनोड।
अब आप जानते हो बेटा जो ईएमएफ ऑफ द सेल होता है, जो ईएमएफ ऑफ द सेल वो हमने क्या पढ़ाया था, है ना, ई नॉट कैथो, है ना, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ, देखो फॉर्मूला क्या था, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, जिसको शॉर्ट में हम क्या कहते हैं ई के, भाई ये तो अंडरस्टूड है, चाहे कैथोड हो चाहे एनोड हो, दोनों का हम जो पोटेंशियल लेंगे वो कैसा लेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल ही लेंगे। तो ई कैथोड माइनस ई एनोड एक जनरल सा फॉर्मूला बनाते हैं। तो ई कैथोड, कैथोड का काम कौन कर रहा है बेटा ये, तो देखो हमें रिडक्शन पोटेंशियल कैसे पता चलेगा, भाई सिल्वर वन प्लस से सिल्वर, भाई कैथोड का काम सिल्वर कर रहा है, और देखो ये हमें शो कर रहा है कि कैथोड का हमने क्या लिया है, रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन नंबर जीरो प्लस वन से क्या हो रहा है, जीरो घट रहा है। ऐसे मानो यहाँ पे हमने एनोड पे कौन है जी, जिंक, है ना, तो जिंक टू प्लस से हमने क्या ले लिया बेटा, जिंक। तो ये क्या आ गया आपके पास, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल आ गया, भाई एनोड का काम कौन कर रहा है, जिंक, और जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल। तो हमने कैथोड का काम कौन कर रहा है, सिल्वर, सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल, तो सिल्वर के रिडक्शन पोटेंशियल में से जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल डिडक्ट कर दिया, और वो वैल्यू देखो कितनी दे रखी है, सिल्वर का कितना दे रखा है आपके पास, जीरो पॉइंट, है ना, एट जीरो माइनस, है ना, ये माइनस तो ये आया बेटा। अब आओ जिंक का कितना दे रखा है, माइनस में ही दे रखा है बेटा, 0.76। ठीक, तो ये तो देखो हमने इसकी वैल्यू लगाई, और ये आपकी इसकी वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू भी, इसका ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका बेटा प्लस, ये सभी जानते हो बेटा। तो 0.76, तो ई एम एफ ऑफ द सेल जो आ गया बेटा वो कितना आ गया, आप इसको ऐड कर दो तो देखो 6, है ना, 1.56। तो आपके पास, है ना, जो सेल का ई एम एफ, तो आप इसको समझे बेटा, आपके पास दो चीजें हो गई, क्लियर है पॉइंट, कि एक तो आपने उसमें सेल इक्वेशन दे रखी थी, साथ में उनके बेटा रिडक्शन पोटेंशियल्स दे रखे थे, क्लियर है पॉइंट। तो जब आपको सेल इक्वेशन और रिडक्शन पोटेंशियल्स दे रखे थे तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, है ना। तो आप जो वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की ज्यादा हो वो कैथोड का काम करेगी, सही है बेटा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल है। सो दोनों, बस दिक्कत आती है जब दोनों वैल्यू माइनस में दे रखी होती है, तब आपको पहचानना गड़बड़ हो जाता है कभी कभी बच्चों से जल्दी जल्दी में, तो उस पर ध्यान रखो। माइनस में जो संख्या भी वैल्यू देखो, जो संख्या कम दिखेगी उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है ना बेटा। तो जो वैल्यू ज्यादा वो कैथोड, बाकी एनोड। अब कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल में से हमने ये रिप्रेजेंटेशन जरूर करना कि कैथोड कौन है सिल्वर, और सिल्वर का भी रिडक्शन पोटेंशियल जी, एनोड, एनोड पे कौन है जिंक, और जिंक का भी रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि ये बात हम लास्ट वीडियो में क्लियर कर चुके हैं, भले ही एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है लेकिन घटाते टाइम तो हम क्या करते हैं, है ना, मतलब ईएमएफ में जब हम डिफरेंस करते हैं तो वो रिडक्शन पोटेंशियल में से कैथोड के एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल को ही घटाते हैं, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आपका निकल आया। और देखो एक चीज और, अगर सेल वर्किंग है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे हैं, याद करो कल हमने एक चीज बताया था कि जब दोनों सेल के वोल्टेज में डिफरेंस होता है, मतलब पोटेंशियल में डिफरेंस होता है, तभी करंट एक हाफ शेल से दूसरे हाफ शेल की तरफ आता है, और इलेक्ट्रॉन एक हाफ शेल से दूसरे हाफ शेल जाता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो ये काम नहीं होगा, और मतलब ये काम ना कहना है सेल का वर्किंग नहीं होना। तो सेल के वर्किंग के लिए आपके ईएमएफ का पॉजिटिव में आना जरूरी है, ये बात याद रखना बेटा, क्लियर है पॉइंट। मतलब आप ही सोचो कि कैथोड में से एनोड का घट पाएगा, घट की कुछ वैल्यू आ पाएगी, अगर कैथोड का पोटेंशियल कम हो जाए और एनोड का कम हो जाए तो वो कहानी उल्टी हो जाएगी, नहीं तो वो सेल ही वर्क नहीं करेगा। तो सेल के वर्क करने के लिए किसी भी सेल के ईएमएफ, मतलब ई कैथोड माइनस ई एनोड का रिजल्ट हमेशा क्या आना चाहिए, पॉजिटिव में, या पॉजिटिव में पाए चाहे 0.01 आए, सुने, लेकिन सेल का ईएमएफ जब पॉजिटिव आएगा तभी वो सेल वर्क करेगा। सेल वर्क करने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोड एनोड टू कैथोड मूव करेंगे और करंट कैथोड टू एनोड की तरफ मूव करेंगे, समझ में आ गया, क्लियर है पॉइंट बेटा। तो इस तरीके से आपने देखो सेल इक्वेशन से पहचान लिया। तो हमने देखो एक टाइप का न्यूमेरिकल आपको ये कराया, अब हम बढ़ते हैं दूसरे टाइप के न्यूमेरिकल की तरफ, ठीक है बेटा, चलो। हाँ जी बच्चों, अब देखो ये जो हमारा सेकेंड न्यूमेरिकल है इसमें थोड़े से चेंजेस हैं, यहाँ पर सेल इक्वेशन नहीं दे रखी, आप नई तरीका एक चीज देख रहे हो गए, ठीक है, नहीं यहाँ सेल इक्वेशन नहीं दे रखी, पिछली बार क्या दे रखा था, सेल इक्वेशन दे रखी थी, अब यहाँ नहीं दे रखी। अब ये क्या चीज है, ये इसको कहा जाता है सेल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो देखो अब मैं आपको एक बार ये सेल इक्वेशन और सेल रिप्रेजेंटेशन का रिलेशन सिखा देता हूं, क्योंकि यही काम आएगा हमें आगे के सारे न्यूमेरिकल में, मतलब ईएमएफ निकालने का कितने से भी इजी से इजी और हार्ड से हार्ड न्यूमेरिकल हो बेटा,
वो सेल इक्वेशन और सेल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पर ही सॉल्व होते हैं। और इसी में आगे जाके क्या आएगा, आपका नस्टिफिकेशन आएगा, वो भी क्या करते हैं, नस्टिफिकेशन से भी तो हम बेटा सेल के ईएमएफ को ही काउंट करते हैं। नॉर्मली ईएमएफ निकालने में कुछ प्रॉब्लम आई होगी तब जाके उसका सोल्यूशन क्या बना है ना, नस्टिफिकेशन के थ्रू बना। इज दैट क्लियर? तो देखो पहले ये सेल रिप्रेजेंटेशन बना कैसे और इसका सेल इक्वेशन से क्या रिलेशन होता है, पहले इसको देखते हैं और वहीं जाएंगे जो हमने आपको समझाया है। याद करो बेटा हमने किस तरीके से आपको समझाया है कि आपके पास मान लीजिए एक वेसल होता है, उसमें एक मेटालिक मेटल की रॉड होती है, एक दूसरा वेसल होता है बेटा, है ना, उसमें एक दूसरे मेटल की रॉड होती है, ये एक दूसरे से वायर के थ्रू बेटा क्या होते हैं, है ना, कनेक्टेड होते हैं। क्लियर? यही सिखाया आपको। अब अगर ये एरो इस साइड है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट इस साइड फ्लो कर रहा है और ये एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं, सॉल्ट ब्रिज के थ्रू जुड़े होते हैं। ठीक है, क्लियर पॉइंट, यही सब सिखाया। एक हमने आपको लोन सिखाया था बेटा, है ना, याद करो एक स्टैंड। वैसे आप कहीं भी इधर कैथोड बनाओ इधर एनोड बनाओ कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन एक स्टैंडर्ड बना दिया गया कि हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बनाएंगे, ऑक्सीडेशन, मतलब यहां से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और ये फिर किसका काम करेगा बेटा, एनोड का काम करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है और ये किसका काम करेगा बेटा, कैथोड का काम करेगा। आ गया पॉइंट समझ में? और बाकी इसको आयनिक बैलेंस करने के लिए सॉल्ट ब्रिज की चीजें काम आएंगी। करंट इधर से जी रिफ्लेक्शन इधर से शो हो रहा है तो मतलब करंट इधर, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो उसके ऊपर, यही चीज हमने समझाई। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो भी मेटल होगी बेटा, ठीक है, अब आप देखो कि आप इससे यहां पर क्या हो रहा है, एनोड, और एनोड पे क्या होता है ना, ऑक्सीडेशन। बेस पे क्या हो रहा है, एनोड पे हमेशा क्या होता है, आप याद करो, है ना, ऑक्सीडेशन होता है कि नहीं होता है ना, एनोड पे हमारा क्या होता है ना, ऑक्सीडेशन। अब आप देखो यहां पर आपको कहां ऑक्सीडेशन दिख रहा है, भाई निकिल जीरो है, भाई निकिल का है, भाई जो नॉर्मल मेटल होती है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, जीरो। तो ये जो चीज होती है जीरो से क्या बन गया, प्लस टू बन गया, और इसमें कॉपर किसमें कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर आयन कॉपर में। तो याद करो आप पुराने वो सेल की चीजों को, इसमें मेटल के जो एटम होते हैं वो मेटल के आयन बन के आते हैं, तो मेटल का आयन किसमें बन रहा है, इसमें। तो यहां पर ये मतलब किसका होगा, आपके पास निकिल का होगा, और यहां पर जो सॉल्यूशन भी हम क्या लेते हैं, जो मेटल होती है उसी से रिलेटेड लेते हैं, और ये निकिल के जो आयन होंगे बेटा वो इसमें आ जाएंगे, निकिल टू प्लस इसमें बन के जाएंगे। आगे समझ में? और यहाँ पे क्या होता है, याद करो जब ये इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, जब ये वाले इलेक्ट्रॉन घूम के आ गए, तो यहाँ पे मान लीजिए कॉपर सल्फेट और ये रॉड किसकी होगी, कॉपर की, ये रॉड किसकी होगी बेटा आपकी, कॉपर की होगी, ठीक है ना, ये रॉड आपकी कॉपर की होगी, और यहाँ क्या होगा, कॉपर सल्फेट। तो जो कॉपर आयन होंगे वो इन इलेक्ट्रॉन पे पहुंच के न्यूट्रल होंगे। तो देखो यहाँ पे क्या काम, आप देखो दोनों जगह पहले हम सेल इक्वेशन लिखते हैं, यहाँ क्या काम हो रहा है कि ये जो हमारे निकिल है, निकिल के एटम है बेटा, क्लियर, ये किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करके निकिल आयन में कन्वर्ट हो रहे हैं, यही काम हो रहा है बेटा हमारे पास सबसे पहले। अब बताओ मुझे कि निकिल के एटम अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करके निकिल आयन में कन्वर्ट हुए, ठीक है, तो सबसे पहला काम तो हमारा ये है बेटा। और अब लेकिन ये हो ऑक्सीडेशन रहा है, लेकिन हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसको बेटा, इन द फॉर्म ऑफ द, है ना, रिडक्शन ही शो करते हैं। तो निकिल टू प्लस, है ना, और ये वाले इलेक्ट्रॉन हम इधर ले आए तो प्लस में टू इलेक्ट्रॉन। तो ये तो हो गई बेटा सेल इक्वेशन कि निकिल निकिल आयन में कन्वर्ट हो गए। एरो रिएक्ट क्या करता है, एरो से इधर रिएक्टेंट और एरो से इधर क्या होते हैं, प्रोडक्ट, तो वही चीज हो गई। और इस वाले में क्या हो रहा है, अगर इसको हम ओवरऑल दिखाएं कि इस सेल में काम क्या हुआ बेटा, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि निकिल जो है वो निकिल आयन में कन्वर्ट हो रहा है। तो अब दोनों का चीज समझे, दैट इज सेल इक्वेशन, है ना, ये तो हमारी क्या है, सेल की इक्वेशन है जिसमें एरो आ जाए, और ये क्या है बेटा, हम सेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इसमें, है ना, हो क्या रहा है, ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। आगे समझो बेटा कि भाई तो ये जो लाइन होती है बेटा, ये लाइन शो कर रही है कि सेल में निकिल जो है निकिल आयन में कन्वर्ट हो रहा है, समझा गया, और ये एरो इक्वेशन बता रहा है कि इसमें निकिल निकिल आयन में कन्वर्ट हो रहा है। दोनों का बस थोड़ा सा अंतर है, बात एक ही बता रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन अलग हो गया बस, है ना। और इस सेल में क्या काम हो रहा है कि ये जो कॉपर आयन है बेटा, ये टू इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, कॉपर एटम में, या रिडक्शन हो रहा है, हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका सेल रिप्रेजेंटेशन क्या बनेगा बेटा, है ना, कि कॉपर जो टू प्लस है बेटा वो, और लाइन खींची हमने सिंगल लाइन, और कॉपर टू प्लस किसमें कन्वर्ट हो गया बेटा, हमारे पास
है ना, ये हमारे पास कॉपर 2+ कन्वर्ट हो गया कॉपर में, तो दैट इज सेल रिप्रेजेंटेशन। तो इस वाले हाफ शेल में तो ये काम हो रहा है और इस वाले हाफ शेल में ये, देखो यही चीज तो यहाँ दिखाई गई है। ये देखो इस वाले हाफ शेल में कॉपर आयन कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, इस वाले हाफ शेल में निकल निकल आयन में कन्वर्ट हो रहा है। आगे पॉइंट समझ में, क्लियर है पॉइंट? तो इनको बोला जाता है सेल रिप्रेजेंटेशन। और बीच में ये जो डबल लाइन है, ये डबल लाइन किसको शो करती है बेटा? ये आपके सॉल्ट ब्रिज को शो करती है। ये किसको शो कर रही है? सॉल्ट ब्रिज को शो कर रही है। आपको पॉइंट्स मन में आया बेटा? ये हमारे पास सॉल्ट ब्रिज है। तो इस तरीके से हमारे पास ये चीजें आई, क्लियर है? तो समझे, तो सेल इक्वेशन से सेल रिप्रेजेंटेशन बेटा कैसे बनता है, क्लियर है पॉइंट? तो हमारे पास यहां से ये चीज, अब इसको आगे बढ़ाते हैं बेटा, मतलब यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं किसी बच्चे को, ठीक है? हमारे पास देखो ये एक्चुअली क्या है, ये सब चीजें न्यूमेरिकल में दी हुई नहीं आती, न्यूमेरिकल तो आपके सामने बस इतना सा है। पहले वाले में सेल इक्वेशन दे रखी थी, उसके बेसिस पे अगर आपकी बात सेल रिप्रेजेंटेशन, तो अभी तक हमने आपको सेल रिप्रेजेंटेशन सिखाया नहीं था। तो अब समझ में आया कि भाई एक हाफ शेल और दूसरे हाफ शेल, एक हाफ शेल में क्या हो रहा है कि भाई निकल, ये एरो की फॉर्म में जब हम बताते हैं कि इसने इलेक्ट्रॉन लॉस करे, इसने गेन करे, और देखो इसमें इलेक्ट्रॉन सारा गायब है, इसमें तो बस इनिशियल और फाइनल रिजल्ट दिया है कि निकल निकल आयन में कन्वर्ट हो, कैसे हुए गेन करके लॉस करके, वो इक्वेशन में आता है ना, इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे बताना, दैट इज इक्वेशन, है ना? और क्या हुआ, क्या किससे क्या बन गया, दैट इज सेल रिप्रेजेंटेशन। तो अब आप देखो इसमें ऑक्सीडेशन हुआ, इसमें रिडक्शन, तो ये एनोड का काम कर रहा है, तो वही चीज तो यहां पर है। और ये दोनों हाफ शेल सॉल्ट ब्रिज से जुड़े हुए हैं, वो डबल लाइन से शो कर दिया, ठीक है बेटा, क्लियर पॉइंट? तो अब मैं इस चीज को आगे बढ़ाऊं, तो हमारे पास ये आपके पास क्या आ गया, ऑक्सीडेशन। चलो आप देखो बेटा, तो पहले तो आपको सेल रिप्रेजेंटेशन बनाना आ गया, कई बार सेल इक्वेशन दे रखी होती है। अगर देखो इसी सवाल को सेल इक्वेशन की फॉर्म में आता तो ये सवाल कैसे आता, देखो है ना, निकिल प्लस कॉपर 2+ कन्वर्ट हो गया निकिल 2+, इसमें 1 मोलर दे रखा होता, ये 1 मोलर होता। अच्छा ये 1 मोलर की और इम्पोर्टेंस है वो और बताता हूँ अभी, क्या है बेटा हाथ क्या, आप याद करो जब हमने ये चीज ली थी सेल बनाया था, तो ये जो सॉल्यूशन है इनकी कंसेंट्रेशन 1 मोलर ली थी, और इसकी भी कंसेंट्रेशन क्या ली थी बेटा हमने, 1 मोलर, याद करो है ना, 1 मोलर कंसेंट्रेशन हमने HCl की ली थी, है ना, 1 मोलर जो भी सॉल्ट है हमने बेटा उसकी ली थी। तो ये वही चीजें हैं। तो ये स्टार्टिंग में बेटा जब ये चीजें करी गई तो दोनों सॉल्यूशंस की कंसेंट्रेशन क्या रखी गई, सेम रखी गई, क्योंकि तभी तो बेटा जब कंसेंट्रेशन सेम होगी तभी तो जो नंबर ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन्स वगैरह हैं वो इक्वल होंगे, तभी तो हम फ्लो बराबर बता पाएंगे, क्लियर है पॉइंट? चलो तो कंसेंट्रेशन सेम हो, अब देखो ये दैट ये क्या है, ये सेल इक्वेशन है, ये क्या है सेल इक्वेशन, और ये क्या है आपका सेल है ना रिप्रेजेंटेशन, क्लियर है पॉइंट? तो दोनों का अंतर देख रहे हो आप, यहां पर देखो क्या हो रहा है भाई, निकिल जो है आप इसमें देखो निकिल निकिल आयन में कन्वर्ट हो रहा है, तो एरो से पहले निकिल आ गया और एरो के बाद निकिल आयन आ गया, तो निकिल निकिल आयन में कन्वर्ट हुआ, ठीक है? और ये हमारे पास, और देखो बनती कैसे, ये सेल इक्वेशन बनाना भी बहुत आसान है, कोई बड़ा इशू नहीं है। आप देखो यहाँ की इक्वेशन क्या है हमारी, ये आप इसको लिख लो भाई, एक सेल में क्या काम हो रहा है, निकिल है ना, निकिल 2+ +2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरे सेल में क्या काम हो रहा है, कॉपर आयन +2 इलेक्ट्रॉन = क्या हो गया, कॉपर, ये कॉपर में कन्वर्ट हो गया, ठीक। अगर आप देखो आपको क्या सिखाया जाता है, देखो मैं दोबारा है, निकल 2+ +2 इलेक्ट्रॉन, एरो के इधर और एरो के इधर जो कॉमन हो हम उसको कट कर देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इधर भी है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर भी है, कट हो गए, आपके पास क्या बन गया, देखो निकल है ना, तो निकल आ गया, प्लस में क्या जाएगा, कॉपर 2+, कॉपर 2+, एरो, एरो आ गया, एरो के बाद निकल 2+, और यहाँ कॉपर। तो सेल इक्वेशन कैसे बनती है, इन दोनों हाफ शेल इक्वेशन को आप ऊपर रख के जो कॉमन पोर्शन है उसको काट दो, तो आपकी सेल इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है बेटा, क्लियर? और सेल इक्वेशन से आपको सेल रिप्रेजेंट, कभी कभी पेपर में क्या होता है बेटा ये सेल इक्वेशन आती है तो आपको सेल रिप्रेजेंटेशन निकालना पड़ेगा, और सेल दो सवाल इन दोनों से की बेसिस पर ही सॉल्व होंगे, जो नेक्स्ट इक्वेशन के सवाल आएंगे बेटा। एक अभी वाले सवालों में तो किसी की चाहे ये दिया जाए चाहे ये आ जाए, ये तो सबसे इजीएस्ट न्यूमेरिकल ही है, हम निकाल देंगे, तो यहां तो ये आ जाए तो भी हम निकाल लेंगे, चाहे ये आ जाए तो भी निकाल लेंगे, जो नेक्स्ट वाले सवाल है बेटा नेक्स्ट इक्वेशन वाले वो तभी हो पाएंगे, उसमें एक चीज आएगी या तो ये की बिना आएगी तो आपको खुद करना पड़ेगा, और ये की बिना आएगा तो ये करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों की जरूरत पड़ेगी नेक्स्ट के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। तो आपको ये बनाने आ गए बेटा कि सेल इक्वेशन, अब देखो सेल इक्वेशन से ये बनाना है तो क्या करो, जो आपके पास ये एरो है यहाँ पे आप डबल इंडल लगा दो, जो पहली न्यूट्रल चीज है सबसे पहले वो लिख लो, ठीक है, फिर एक सिंगल लाइन है ना, ये किसमें कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट में, वो यहाँ लिख लो,
आगे अपन समझ में भाई, जहां एरो है एरो के जस्ट पैरेलल क्या बना लो, डबल लाइन बना लो, जो पहला न्यूट्रल है वो लिख लो और वो किस में कन्वर्ट हुआ वो इसको एक सिंगल लाइन के बाद लिख लो। फिर रिएक्टेंट साइड आओ, रिएक्टेंट साइड क्या है, कॉपर 1+ है ना, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर में। और जो आयन है, आयन मतलब आयन तो सॉल्यूशन की फॉर्म में है ना बेटा, तो इनकी एक कंसंट्रेशन भाई, न्यूट्रल जो होती है उसकी कंसंट्रेशन सॉलिड जो है भाई, देखो ये मेटल की रॉड है निकेल और ये कॉपर, ये तो रॉड है, सो कंसंट्रेशन किसकी होगी, सॉल्यूशन की होगी ना, मेटल की रॉड की कंसंट्रेशन थोड़ी होगी। तो देखो आपने सेल इक्वेशन से सेल रिप्रेजेंटेशन बना लिया, ये हर बच्चे को आना बहुत जरूरी है, अगर आपको नहीं आए आप मुझसे दोबारा पूछ लेना डाउट क्लासेस में, समझ आए नहीं। तो सेल इक्वेशन ये रही, कैसे बनी वो मैंने आपको सिखा दिया है ना, सेल इक्वेशन से सेल रिप्रेजेंटेशन बेटा मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है बेटा। अब आओ देखो न्यूमेरिकल, अब देखो न्यूमेरिकल कैसे होते हैं, तो अब मैं इसको रब कर दूं है ना, तो इनकी कोई जरूरत नहीं है, चलो बेटा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए। न्यूमेरिकल तो बहुत आसान है, न्यूमेरिकल में कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। देखो न्यूमेरिकल अब देखना, न्यूमेरिकल कितना आसान है कि हमारे पास क्या है, अब आपको देखो न्यूमेरिकल से पता चल रहा है निकल 0 से 0.2+ हो रहा है, मतलब निकल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहाँ +2 से 0 हो रहा है बेटा, क्योंकि अकेली एटम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, तो यहाँ इसका क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है भाई। हमारे पास कॉपर का क्या हो रहा है ना, रिडक्शन, क्लियर। और इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो किसका काम करता है, एनोड का, और जिसका रिडक्शन होता है वो किसका काम करता है, कैथोड का, ये बात आपको पता है, चलिए नहीं, इतनी देर से हम लोन हुआ है ना, जिसका ऑक्सीड लोन के अकॉर्डिंग देख लो चाहे आप LON, अगर नहीं आता तो जिसका ऑक्सीडेशन वो किसका काम करेगा आपका, एनोड का, तो ये हो गया क्लियर पॉइंट। अब आओ बेटा हमारे पास EMF निकालने का, हमें आइडेंटिफाई कर लिया कौन कैथोड कौन एनोड, अब आप EMF निकालो बेटा, तो EMF बराबर क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, और कैथोड कौन है बेटा यहाँ पर, अब हमारे पास कॉपर, तो कॉपर के रिडक्शन पोटेंशियल में से हमने कॉपर है ना, ये कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल हो गया, एनोड का काम कौन कर रहा है जी, निकिल। तो देखो अब निकिल के भी रिडक्शन पोटेंशियल ही तो पुट करेंगे यहाँ पे हम भाई, कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल में से हमने एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल डिडक्ट करना है, और रिडक्शन पोटेंशियल कब बनेगा, जब 2+ से निकिल की तरफ पहुंचेगा, और बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं 0 इसमें, तो मैंने आपको पहले बताया ये हो तो यही रहा है लेकिन उसको उल्टा रिप्रेजेंट करते हैं, तभी तो ये वैल्यू माइनस में मिलेगी। देखो आपको निकल की वैल्यू माइनस में दे रखी है इसी वजह से, वो ऑक्सीडेशन को उसने किस में कन्वर्ट कर दी है ना, रिडक्शन में कन्वर्ट कर दी। अब कॉपर 2+ का रिडक्शन पोटेंशियल कितना दे रखा है, इतना है ना, 0.34 दे रखा है बेटा है ना, और निकल का कितना दे रखा है, ये इसका हो गया, और निकल का कितना दे रखा है माइनस में बेटा आपका 0.25। अब आप इन दोनों को करो, ये क्या बन गया 0.34 माइनस माइनस प्लस 0.25, आप इनको ऐड कर दो है ना, 459325 0.59 वोल्ट। तो सेल का जो EMF आ गया बेटा वो कितना आ गया, 0.59 वोल्ट आ गया, समझ में आ गया बेटा। तो इस तरीके से हमारे पास क्या बन गया, ये हमारी वो बन गई, ठीक है बेटा। तो देखो एक हमने सेल इक्वेशन से करवाया, एक हमने सेल रिप्रेजेंटेशन से करवाया, और इन दोनों न्यूमेरिकल के ही मतलब थ्रू मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया कि सेल इक्वेशन कैसे बनती है, सेल इक्वेशन से सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे बनता है। कभी सेल इक्वेशन आए तो रिप्रेजेंटेशन बना लेना, रिप्रेजेंटेशन आए तो इक्वेशन बना लेना, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज भले ही इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है लेकिन यहाँ हम क्या पुट करेंगे, इसकी रिडक्शन वैल्यू, तो रिडक्शन वैल्यू भी दे रखी होती है वहां पर, ठीक है बेटा। चलो तो बाकी ये तो हुए सबसे सिंपलेस्ट न्यूमेरिकल, अब हम बढ़ेंगे इन EMF के न्यूमेरिकल से बेटा हम उसकी तरफ, कैसे नस्टिफिकेशन की चीजें कैसे आई, ठीक है, ओके थैंक यू।